हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे ये वाला ड्राइंग किस तरह क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले ऊपर देखना कि डायमीटर 90 दिया हुआ है, डायमीटर 45 दिया हुआ है। नीचे की तरफ ये रेडियस जो सेंटर से रेडियस 90 दिया हुआ है, 22 यहाँ पे आने के बाद ये जो डॉटेड सर्कल दिया हुआ 90 दिया हुआ है, डायमीटर 90। फिर ये पॉइंट से ये पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है उन्होंने, वो डिस्टेंस तो दिया नहीं है, किसी स्टूडेंट ने बनाया हुआ है 45 45, लेकिन ये रेडियस दिख रहा है 45 का, मतलब इस सर्कल को जो डॉटेड वाले सर्कल को टच होके 45 तक ये सर्कल टच हो रहा है। और उसके बाद सेम थिंग, ये बड़ा 90 का सर्कल है, वहाँ पे भी एक 45 का सर्कल बनाया हुआ है, ये 45 दिख रहा है, ये 45 दिख रहा है, वहाँ से सर्कल बना गया। इन दोनों के सर्कल के बीच में रेडियस 6 का दिया हुआ है, और ये सेंटर पॉइंट से ये 90 के टेंजेंट तक लाइन ड्रॉ करना है। ये डायमीटर 90 से टेंजेंट होके जो डॉटेड वाला 90 तक टेंजेंट होगा। तो मैं ड्राइंग बनाना चालू करता हूँ। तो ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ऑटो कैड ओपन किया। मैंने अगर ऑटो कैड पहले ही ओपन किया होता तो सबसे बेस्ट था, लेकिन ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग वर्कआउट कर लेते। ड्राइंग तो एकदम इजी है, कुछ भी नहीं करना है, जो भी ड्राइंग है उसे अच्छी तरह से रीड करने के बाद हम लोग ड्राइंग अच्छे से वर्कआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फाइल मेनू में जाके न्यू लिया, न्यू में जाके ACAD के ऊपर डबल क्लिक करके मैंने ओपन किया। अगर ग्रिड नहीं चाहिए तो मैंने ग्रिड ऑफ करने के लिए मैंने टाइप किया ग्रिड और एंटर दे के मैंने ऑफ कर दिया। सबसे पहले जो सर्कल था उस सर्कल को हम लोग चेक कर देते हैं। यहाँ पे मैंने दिया 90 का रेडियस, 90 का सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। ड्राइंग आप अपने मोबाइल में या तो इसमें स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद वर्कआउट करो। मैं डायरेक्टली ड्राइंग तो मुझे याद है तो मैं डायरेक्टली ड्राइंग बनाना चाह करता हूँ। मैं सबसे पहले रेडियस 90 बनाया, तो यहाँ पे रेडियस 90 लेने के बाद यहाँ पे स्क्रीन में नहीं दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे कमांड टाइप में जाके यहाँ पे टाइप किया जूम। जूम के लिए जेड लिख सकता हूँ, जूम ऑल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सर्कल ड्रॉ किया था। ये एक्स वाई एक्सेस जो दिख रहा है उसे UCS कहा जाता है। व्यू में जाके मैंने डिस्प्ले UCS आइकॉन ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके किया। तो सबसे पहले मैंने 90 रेडियस सर्कल निकाला मैंने, उसके बाद जो भी लाइन मैंने सेंटर पॉइंट से यहाँ पे सेंटर पॉइंट से एफेट दे के मैंने यहाँ पे 22 का लाइन लिया। 22 का लाइन के ऊपर मैंने सर्कल ड्रॉ किया डायमीटर 90 का। डायमीटर 90 के लेने के बाद यहाँ से मैं सीधा ऊपर 178 का लाइन ड्रॉ करता हूँ, जो ड्राइंग में दिया था 178। मैंने आगे कुछ नहीं किया, 178 लाइन लिया यहाँ पे। यहाँ पे जैसे मैं दिखा रहा हूँ, मैंने जो ड्राइंग बनाया वो ड्राइंग में मैंने एक तो रेडियस 90 निकाला, फिर 22 का लाइन लिया, वो यहाँ पे डायमीटर 90 का सर्कल निकाला, और इस सेंटर पॉइंट से 178 का लाइन लिया। अभी ये दो सर्कल बनाऊँगा, डायमीटर 90, डायमीटर 45 का। तो मैंने यहाँ पे सर्कल में डायमीटर यहाँ पे 90 और डायमीटर 45 का सर्कल निकाला। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको डाउट्स आया रहेगा वर्क करने के टाइम। यहाँ पे लाइन निकाला, इसके सेंटर पॉइंट से, इस सेंटर पॉइंट से यहाँ पे अपनी गलती हुई थी, इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक टेंजेंट, या तो टाइप करो टैन करके, टैन टाइप करने का टेंजेंट के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया मैंने, और सेकेंड सर्कल ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, तो मैंने वापस लाइन दिया यहाँ पे टैन दिया, टैन से ये सर्कल के टेंजेंट यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैंने टैन लिखा यहाँ पे, यहाँ तक ले लिया। ये ऊपर 32 का सर्कल है यहाँ पे, तो मैंने वापस कमांड वाले में टेंजेंट एंड रेडियस, इसे टच, यहाँ पे 32 का रेडियस बनाया। फिर इसे ट्रिम करना है, तो ट्रिम यहाँ पे एंटर देके ओल्ड वर्जन में, या तो डायरेक्टली मैंने ट्रिम किया। फिर मेरा जॉब है, ये पॉइंट से मैंने रेफरेंस के लिए 45 का लाइन लिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल में
रेडियस यहाँ पे ये पॉइंट पकड़ के मैंने 45 का सर्कल निकाला। ये लाइन की अभी नीड नहीं है तो मैंने डिलीट मार दिया। तो उसके बाद लाइन लिया अगेन, ये पॉइंट, ये सर्कल, बड़ा वाला सर्कल को 90 का जो डायमीटर सर्कल है उसके ऑर्डिनेट के ऊपर क्लिक करके मैंने अगेन 45 का लाइन लिया। ये सेकेंड लाइन का एंड जो पॉइंट आया हुआ है वो मेरा सेकेंड सर्कल रेडियस 45 हुआ, और उसके दोनों के बीच में सर्कल सर्कल में टेंजेंट एंड रेडियस मैंने इसे टच किया, इसे टच किया और 6 का रेडियस दे दिया। मेरे ख्याल से जॉब कंप्लीट हुआ है मेरा। यहाँ पे ट्रिम, और ट्रिम ने मैंने सब ट्रिम कर दिया। और जैसे कि मुझे अगर यहाँ पे डॉटेड लाइन तो मैंने पढ़ाया नहीं, पढ़ाऊंगा मैं उसे बाद में। और मैंने डायमेंशन पढ़ाया था, डायमेंशन में डायमीटर, डायमीटर इसे देखा तो डायमीटर मेरा 90 का, यहाँ पे 180 करके दिखा रहा है। तो ये जो है मैंने रेडियस 90 लिया था शायद से। इसे मैं डायमेंशन वापस देखता हूँ, मैं रेडियस यहाँ पे क्लिक किया मैंने और इसका रेडियस 90 था लेकिन डिस्प्ले नहीं दिखाई दे रहा है। तो डायमेंशन, डायमेंशन स्टाइल, देन स्टैंडर्ड के ऊपर क्लिक है मेरा, सेट करो उसे, मॉडिफाई, मॉडिफाई में जाके मैंने टेक्स्ट का हाइट, यहाँ पे मैंने ये 90 का रेडियस था, इतना बड़ा रेडियस था तो मैं अराउंड 10 तो लिख ही सकता हूँ, 10 दे दिया। देन ओके किया, क्लोज किया तो मेरा 90 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डेसिमल सेम थिंग, सारी सेटिंग्स एक साथ कर सकता हूँ मैं। डायमेंशन में गया, डायमेंशन स्टाइल, या तो टाइप करो मॉडिफाई, मॉडिफाई में प्राइमरी रेट, और डेसिमल को मुझे जितना चाहिए उतना डेसिमल कर सकता हूँ, एरोस को चेंज कर सकता हूँ, लाइन निकाल सकता हूँ, सब कुछ हो सकता है। यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे लाइन लिया, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक मैंने 178, फिर डायमेंशन, यहाँ पे डायमीटर, इसका डायमीटर था इसे डायमीटर डाल दिया, यहाँ पे डायमेंशन, अगर रेडियस है तो ये रेडियस मेरा 45, डायमेंशन यहाँ पे रेडियस, रेडियस में ये रेडियस मेरा अगेन 45। और उसके बाद ऊपर का भी डायमेंशन में दे सकता हूँ, डायमीटर ये जो दिया 90 का, अंदर का जो रेडियस है, रेडियस मैंने दिया यहाँ पे 25, या तो रेडियस नहीं था डायमीटर ही था उसका भी, तो डायमीटर 45 दिया मैंने यहाँ पे। ये 32 का देना है बाकी यहाँ पे डायमेंशन, यहाँ पे मैंने रेडियस, रेडियस में यहाँ पे मैंने क्लिक किया 32, और वैसे ही यहाँ पे छोटा वाला सर्कल मेरा डायमेंशन रेडियस, और इसे भी मैंने सिस्का दे दिया। ये मेरा कंप्लीट जॉब हुआ। थैंक यू।